गोष्ठी का आयोजन एक बहुत ही अच्छा कदम है। यह संस्थाएं देश को मजबूत बनाने में वर्षों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल निर्देशन में मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया आदि कार्यक्रम चल रहे हैं। उससे बड़े बदलाव उभर के सामने आएंगे और लगभग हर क्षेत्र को इनका लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये एक बड़ी कोशिश देश की उन्नति के लिए एक मजबूत और स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त करेगी। पीएसयूज ने स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने न केवल देश के विकास में भूमिका निभाई है बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। विशेषकर उन क्षेत्रों में निवेश करना जहां निवेश करना लाभकारी और आकर्षक नहीं था, पीएसयूज ने उन सेक्टरों के विकास में भी सक्रिय समर्थन किया है जहां भारी निवेश के पश्चात भी लाभ कम था, लेकिन उन सेक्टरों में निवेश देश के लिए अति महत्वपूर्ण था। कुछ पीएसयूज उन्नति कर बहुत विशाल हो गए हैं, जो न केवल देश बल्कि दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। विशेषकर जो पीएसयूज महारत्न और नवरत्न हैं, पीएसयूज ने परिवहन, संचार, विद्युत विकास, रेलवे, बैंकिंग आदि जैसे बुनियादी ढांचा तैयार करने में सार्थक योगदान किया है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से ज़्यादातर उनके निजी समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा कर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, हमारे पीएसयूज एक अद्भुत और अत्यंत प्रशंसनीय भूमिका निभाते आ रहे हैं। फिर चाहे वो देश की उन्नति का विषय हो या बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का विषय हो या प्राकृतिक विपदाओं के समय में पुनर्वास या मानवीय सहायता प्रदान करने की ज़रूरत हो। मुझे चूंकि इस्पात मंत्रालय की राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए मैं आज के इसी संदर्भ में खास तौर पर इस्पात मंत्रालय की भूमिका के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा, जो कि मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने में एक बड़ा योगदान दे रहा है। इस्पात के कारण मूल अवसंरचना, आवास निर्माण, परिवहन, ऊर्जा, इंजीनियरिंग तथा रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी मदद हो पाती है। इस्पात आधुनिक विश्व के अति महत्वपूर्ण उत्पाद में से एक है और भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। भारत कुछ इस्पात, क्रूड इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और नज़दीक भविष्य में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए तैयार है। देश विश्व में स्पंज आयरन के उत्पादन में भी शीर्ष स्थान रखता है। भारत में इस्पात उत्पादन की क्षमता जो वर्ष 2013-14 में 102 मिलियन टन थी, वह 22% बढ़कर 1 जनवरी 2017 की स्थिति में 125 मिलियन टन हो गई है। इस्पात मंत्रालय के अधीन कई पीएसयू जैसे सेल, आईआरएनएल, एमएसटीसी, एनएमडीसी इत्यादि हैं, जिनसे सारा विश्व भलीभांति परिचित है। इस्पात मंत्रालय के अधीन ये पीएसयूज कौशल विकास कार्यक्रम में एक सार्थक योगदान दे रहे हैं। इस्पात मंत्रालय ने अपने पीएसयूज के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 10/7/2015 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर रणनीतिक साझेदारी की है। तत्पश्चात सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, केआईओसीएल, एमओआईएल ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल द्वारा भिलाई, राउरकेला, बोकारो एवं दुर्गापुर में 4 कौशल विकास केंद्रों एवं इसको स्टील प्लांट बनपुर में एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जानी है। पीएसयूज ने वर्ष 2016 के दौरान 8,137 कर्मचारियों को कौशल वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान किया है एवं लगभग 400 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया है तथा 2,636 लोगों को प्रशिक्षुकता प्रशिक्षण प्रदान किया है।
इस्पात मंत्रालय के पीएसयू द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 3000 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस्पात मंत्रालय के पीएसयू मेक इन इंडिया में भी सक्रिय योगदान कर रहे हैं। सीएल और आरआईएनएल में इस्पात संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्य